नमस्कार, आप सुन रहे हैं 69.2 FM और आप रुक करते हैं एक बार वेदर फोरकास्ट की तरफ, जो कि बताया जा रहा है कि सुबह से धूप लगी है लेकिन दिन को जैसे ही 2 बजेंगे उसके बाद तूफान आने का खतरा है और बारिश होने की संभावना है, तो कृपया अपने साथ छाता लेके जाएं। बेबी आई कांट टेल यू यार, हाउ एक्साइटेड आई एम। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट, मैंने बारबेक्यू नेशन में टेबल बुक करवा दिया है, लेफ्ट साइड एक्सट्रीम कॉर्नर। अरे तुम मुझे चिकन लॉलीपॉप खिलाना और मैं तुम्हें पनीर टिक्का खिलाऊंगा। अच्छा, आफ्टर देन वी विल गो फॉर अ मूवी। अगेन लेफ्ट साइड एक्सट्रीम कॉर्नर। देख थम्सअप, 25 मिनट है तेरे पास, अगर तू 25 मिनट में नहीं आया ना तो पांडा ऑलरेडी अपनी फॉर्च्यून लेकर मेरी वेट कर रहा है, फिर तू खाते रहियो अपना चिकन लॉलीपॉप लेफ्ट साइड एक्सट्रीम कॉर्नर। रोहित क्या बोल रही है तू, मैंने तो रूम भी बुक करवा दिया है। 24 मिनट्स 54 सेकंड्स 52। अरे बेबी तो ब्रेक लगा, तू आंखें बंद कर और मैं पहुंच गया। कहां पहुंचा? अरे खोलने के लिए किसने बोला रोहित? सुन, पहली बार घर आ रहा है तो कुछ लेकर आइयो, खाली हाथ ना जाइयो। ऑफ कोर्स रोहित, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। हाँ ओके, फोन काट। ओके बाबा, सी यू। भाई फटाफट एक बेस्ट कॉन्डम देना। बेस्ट नाम की कोई वैरायटी नहीं आती है, अपना डोटेड, एक्स्ट्रा डोटेड, एक्स्ट्रा थिन, लूब, कौन सा चाहिए? भाई सुनना, मेरा ना फर्स्ट टाइम है, तुझे तो एक्सपीरियंस होगा, इसलिए जो बेस्ट है वो दे। एक्सपीरियंस क्या, सुबह सुबह मजाक कर रहा है। अंकल जी एक बार इनको एक्सपीरियंस इनसे पूछ। नमस्ते अंकल। अंकल एक लॉन्ग लास्टिंग 6 इंचीज वाला बेस्ट कॉन्डम दे दो। अंकल एक तो कम पड़ेगा, आप एक काम करो फैमिली पैक कर दो, और हाँ रूह अफ़ज़ा फ्लेवर देना प्लीज। अंकल रूह अफ़ज़ा फ्लेवर बोला था ना आपको। तूने चाटना है? मैं केमिस्ट शॉप चलाता हूँ, गुलन नहीं बेचता। नारंगी दे दो, सतरंगी दे दो, सारे कॉन्डोम्स एक जैसे होते हैं। आपको कैसे पता? अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोल रहे हो। पेमेंट काउंटर पे कर दो। भाई ये कितने का? कौन सी रेड वाला? हाँ हाई ब्रांडेड का। और ये 600 का। अरे सुशीला बस में आ गया। मैं बारिश में भीग रही हूँ, तुम
इतना? अरे मैं घर के बाहर हूँ, लिफ्ट की वेट कर रहा हूँ, इतनी देर से लिफ्ट ही नहीं आ रही। फोन कर दिया था कि हाफ डे लेके मुझे पिकअप करने आ जाना, पर तुम नहीं आए। कहाँ है? क्या छतरी? इसका मतलब तुम घर से ही नहीं निकले अभी? हे भगवान, मैं तुम जैसे इंसान का करूँ क्या? अरे तुम आ भी गई? हेलो, कौन है अब? अच्छा मैं दरवाजा खोलता हूँ। अच्छा किया जो तुम मेरे भरोसे नहीं रही। तू? आप? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं हाँ, आपके लिए बुके लाया था। बुके? मेरे लिए? हाँ, क्या था? आज मैं आपसे थोड़ा रूड हो गया था ना, तो इसीलिए अपोलोजाइज करने के लिए लाया था। अगर आपको नहीं चाहिए तो वापिस दे दीजिए, कोई बात नहीं। सुन, तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? अंकल वो मैंने गूगल किया था। गूगल? हाँ। अरे तब सब, तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। अरे आ जा, चल। पॉप्स, पॉप्स, अंदर आना। पॉप्स ये मेरा फ्रेंड थम्स अप, आपको बताया था ना? ये तेरा फ्रेंड है? हाँ। कम ऑन यार पॉप्स, अब आप 80s के पिताश्री के जैसे शुरू मत हो जाना कि एक लड़की हो के एक लड़के से दोस्ती एंड ऑल। चल यार पॉप्स, तू इधर आ। कौन सी गाड़ी से आए? मैं। हाँ? बलिनो। बलिनो? ओके, चला सेल्फी लेते। स्माइल। मैयत पे आया क्या? स्माइल कर, स्माइल कर। नाइस। कैसी है? अच्छी। अच्छी है? लाइक कर लेते हैं। अरे सुनना। हाँ? बाकी सेल्फीज बाद में लेते हैं, तो जल्दी रेडी हो जा, हम निकलते हैं फिर। Don't be so despo baby. Give me 5 minutes. रूही, हाँ? तू एक काम कर, तू रेडी हो, मैं एक काम में उठा कर आता हूँ, ठीक है? अभी कौन सा काम है तेरे को? 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ। तो सुनना, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरी कुछ हेल्प कर दूंगा। थम्स अप, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। थम्स अप। हाँ? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हाँ तो कर ले, मैं यहीं तरह वेट करता हूँ, ठीक है? तो तब तक पॉप से बातें कर ले यार। डोंट वरी बेटा, तुम आराम से तैयार हो जाओ। आई विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। रूही, अब क्या है यार? ये वॉशरूम किधर है? इधर है, जा। अंकल जी, हाथ गंदे हैं, धो लूं जरा? कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी के साथ? अरे अंकल आप गलत समझ रहे हैं। ओह अच्छा मैं समझ गया, आपको ये लग रहा था। छोड़ो कॉलर, छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको सब सच। ये देखो अंकल, ये मैं हूँ, ये मेरा रियल नेम है। क्या अंकल आप भी ना? अरे मैं रूही को ना पिकअप करने आया था।
अंकल थोड़ा पानी मिलेगा? खड़ा हो, खड़ा हो। सामने 10 कदम दूर किचन है, राइट हैंड पे फ्रिज है, दरवाजा खोल और पी। पर अंकल मैं ना मिक्स पानी पीता हूँ। फ्रिज से 5 कदम दूर बालकनी है, बाहर बारिश हो रही है, मिक्स कर और पी दे। मेरा फोन। You rascal, I knew it. तेरे और प्रिया के बीच में कुछ चल रहा है ना? क्या बोल रही है तू रूही? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ तुझे बाद में। तू मुझे क्या बताएगा, मैं तुझे बताती हूँ। You fucking asshole, how dare you to time me? अरे मेरी सोना, मेरी रोज़ा, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? मैं तुझे सब बताने वाला था। क्या तू मुझे ये बताने वाला था, इसीलिए आज का प्लान बनाया था? Please try to understand. हम बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, अब भी बात करेंगे, अभी के अभी। बोल। हाँ, जो भी बात है अभी की अभी क्लियर कर। हाँ। जो भी जैसा तू समझ रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा कुछ नहीं है से क्या मतलब? मतलब ऐसे ही है। तू निकल यहाँ से। आज के बाद अगर मुझे फोन किया ना तो तेरा फोन तोड़ दूंगी मैं। नहीं, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, साले दोनों तोड़ दूंगी मैं। ओ, अब समझ में आया, इसीलिए तेरा फोन रात को बिजी आता था ना, और प्रिया जब भी ब्लैक ड्रेस पहनती थी तो तू ब्लैक शूज पहनता था, मैचिंग मैचिंग। यार मेरे पास तो एक ही शूज है और वो तो कभी कभी उसके साथ मैचिंग हो जाती है, तो क्या बोले जा रही है बार बार? तू क्या बोल रहा है, ऐसा है या नहीं है? तू रात को उसको फोन करता है या नहीं? अरे छोड़ यार मुझे, साइड हो दोनों पहले। जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है बेबी, तू ही मेरी बंदी है यार, तू ही मेरी जान। अरे वो स्टेटस तो मैंने तेरे बाप के लिए रखा था। जानता था कभी नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहा है, तेरे जैसे जलील लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले कॉन्डोम लेते हैं, उसके बाद ओरल पिल, और उसके बाद प्रेगा न्यूज। पापा भी क्या बोल रहे हो, उसे छोड़ो। रूही चुप हो और अंदर जा, चुप अंदर जा। अरे अंकल आप क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने कॉन्डोम नहीं RDX खरीदा हो। गलती करता और जुबान लड़ाता मुझसे? अरे अंकल गलती तब होती ना अगर जब मैं ये नहीं खरीदता। शादी से पहले ये सब करना गलत नहीं है? अरे अंकल किसने बोला कि शादी से पहले कॉन्डम नहीं खरीद सकते? अरे मेडिसिन के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लगता है, कॉन्डम के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट थोड़ी। तेरे जैसे बेशर्म लड़के से ना मुझे बात ही नहीं करनी। निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। पॉप्स, पापा, पापा आप गलत समझ रहे हो, वो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है? तो कॉन्डोम्स उसने गुब्बारे फुलाने के लिए लिए थे। पॉप्स यार। अरे सुशीला मैं बस तुम्हें लेने आ ही रहा था, पर आ जाओ बेटा यहाँ रख देते हैं। तू? हाँ ये, अगर ये नहीं आता ना तो बारिश में शार ले रही होती मैं। अरे आंटी तुमसे एक काम नहीं होता, मैं वहाँ बारिश में भीग रही हूँ और तुम यहाँ घर में बैठ के। आधे घंटे से वेट कर रही थी मैं तुम्हारी। सॉरी टू इंटरप्ट यू आंटी, मैं ना रूही के पास ही आ रहा था नोट्स लेने के लिए, पर रास्ते में मुझे अंकल मिल गए। अंकल ने मुझे बोला कि आंटी को पिक कर लो, इसलिए मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। अच्छा? बिल्कुल आंटी जी, कुछ लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझ लेते हैं। तो ये खुद क्यों नहीं आए? सुशीला मैं आ ही रहा था बस। एक्चुअली आंटी अंकल ना आपके लिए बुके लाने गए थे। अरे अंकल
क्या आप भी दो ना आंटी को, मेरे सामने अभी शर्मा रहे हो आप। सुशी तुम्हारे लिए। I could easily say that I love you to death. But I really want to live forever to love you eternally. Love you. R-I-P. R-I-P. Rest in peace. तो तुम मुझे मारने की साजिश कर रहे हो। क्या बोल रही हो सुशीला? फूल तो ले आए हो, लकड़ियों का इंतजाम भी कर ही लिया होगा ना तुमने। ये किस तरह की बातें कर रही हो? वही जो आपने इस लव लेटर में लिखा है, अपने दिल के अरमान। क्या मैंने ड्रामा कर रही हूँ मम्मी, दिखाओ। सॉरी अंकल, मुझे सच बताना ही पड़ेगा। आंटी सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला था। एक्चुअली अंकल मुझे रास्ते में नहीं मिले, वो हमारे ऑफिस में आए थे। पता है आपको इस वेडिंग पे ये पेरिस लेकर जाना चाहते हैं, बस उसी की इंक्वायरी के लिए हमारी वो ट्रैवल एजेंसी में आए थे। वही मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आंटी वहाँ खड़ी है, उन्हें पिकअप करो और घर पे छोड़ दो। और मैंने उस फ्लोरिस्ट को बोला था कि रोमांस इन पेरिस लिख दे, लेकिन आजकल की जनरेशन देख लो, सब कुछ शॉर्टकट में लिखती है। रोमांस इन पेरिस को आरआईपी लिख दिया उसने, बताओ। ये सच कह रहा है ना? हाँ सच कह रहा है। और वैसे भी आजकल की जनरेशन झूठ कहाँ बोलती है। सुशी, आरआईपी का मतलब रोमांस इन पेरिस। क्या आंटी, आप भी ना ऐसे शक करते रहते हो। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर लाती हूँ। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। पकौड़े नहीं आंटी, थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। अब घर आए मेहमान को पानी भी मांग के पीना पड़ेगा। अंकल मिक्स पानी लाना प्लीज। वैसे आंटी आपका घर बहुत सुंदर है। बिल्कुल आप ही की तरह। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज बारिश बहुत हो रही है ना, फिर भी मैं चलता हूँ। अरे बेटा रुको, खाना खा के जाना, तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। छोड़ो आंटी, आज नहीं, आज मूड बड़ा खराब है। क्यों, क्या हुआ? आंटी आज शाम का ना मेरा प्लान था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसके फादर ने मना कर दिया। बताओ। तुम दोनों को छोड़ो, किसी और दोस्त के साथ चले जाओ। गुड आइडिया आंटी, आप चलो मेरे साथ। मैं कहाँ बेटा, वैसे भी बहुत काम है, सभी मुझे करने हैं, कोई और तो करेगा नहीं। फिर छोड़ो आंटी, सब वेस्ट हो गया आज। टिकट वेस्ट, पैसे भी वेस्ट और मूड भी। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम रोही के साथ क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हारी क्लासमेट भी है और तुम एंजॉय भी कर लोगे। क्यों, क्या कहती हो रोही? मूवी कौन सी है? लव आजकल। लव आजकल, उसमें हीरो कौन था? अरे अपना कार्तिक आर्यन। अरे हाँ, मम्मा अब आप बोल रहे हो तो आपको मना तो नहीं कर सकती। बस फिर ठीक है, जाओ और एंजॉय करो। ठीक, मैं भी आई।
लव यू टू बेटा। लेकिन सुशीला तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? बाहर बारिश हो रही है। बारिश? बारिश की चिंता तुम्हें होती ना तो मुझे भीगने नहीं देते तुम। सुशीला मैं तुम्हें लेने आ रहा था। चले। एंड पापा अब बारिश की टेंशन ना लो, हम कार से जा रहे हैं। डोंट वरी अंकल, मैं रूही को भीगने नहीं दूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। देखो और सीखो। चल। रुको। क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को, जाने दो ना। सुशीला किसी भी सूरत में 8 बजे से पहले पहले मेरी बेटी घर लौट जानी चाहिए। पापा। चलिए। अगर 8 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट हुई ना। पापा नहीं होंगे लेट। चलो। लेकिन मॉर्निंग मुझे इसका रिफंड दे देना। बाय। अजी सुनते हो? थैंक यू फॉर द कॉन्डोम बेटा। आया।